Good morning, dear. Yes. Which period? Drawing and craft. सबसे अच्छा दिन होता है. No study, only drawing. Okay, तो आज हम drawing और craft करेंगे. ठीक है, लेकिन drawing and craft के लिए मैं आपको revision करवा रही हूँ, जो आपके assessment के according है ना. जैसे आपका first assessment आने वाला है, तो कुछ questions जो हम लोगों ने पहले से ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो पहले हम रिवाइज करेंगे और फिर से उसकी प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा फॉर योर पेपर्स. ओके, तो देखिए, मैंने आपको आइसक्रीम ड्रॉ करना बताया था. तो दो आइसक्रीम आप जो भी ड्रॉ करना चाहेंगे वो आइसक्रीम ड्रॉ करेंगे, और हम एक क्राफ्ट वर्क भी करेंगे, तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगी, है ना. आइसक्रीम के लिए मैंने क्या किया था आपको, तो स्टैंडिंग लाइन, ओके, विद दिस स्लीपिंग लाइन हम इसे टच कर देंगे. देन अगेन बिग स्टैंडिंग लाइन, और इसे कनेक्ट करेंगे हम इस टू स्टैंडिंग स्मॉल लाइन से, हम कनेक्ट कर देंगे और ऊपर कर्व लाइन के थ्रू आइसक्रीम को पैक कर देंगे. तो हमारा आइसक्रीम का ये वाला पार्ट हुआ. ओके, और एक आइसक्रीम मैंने आपको सिखाई थी, वन इज स्लीपिंग लाइन, देन स्लैंटिंग लाइन, और आप एक बिग कर्व बनाएंगे, और यहाँ पे आप कर्व से इसको इस तरह से और स्लीपिंग लाइन से कनेक्ट कर देंगे. ओके, तो ये मैं आपको नोटबुक में भी ड्रॉ करना बताऊंगी और इसे फिर से कलर करना सिखाऊंगी. ये आपका आइसक्रीम का हुआ. और हम क्राफ्ट में, जैसे हमने आपको एक्टिविटी में लिया था, जो सैटरडे एक्टिविटी होगी, उसमें आपके बॉडी पार्ट्स है ना, तो बॉडी पार्ट्स में आप फेस के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, जैसे हम आईज, ईयर, नोज, इन्हें स्टिक करेंगे क्राफ्ट में. ओके, जैसे मैं आईज बना के रखी हूँ, उन्हें आप करेंगे आईज की प्लेस पर स्टिक करेंगे, देन नोज को, फिर माउथ को, ईयर को. ओके, एक बार गाइस कर लेते हैं. जैसे हमारा फेस जो है, ये हमारा फेस है राउंड शेप. ओके, अब इसमें मैं टू आईज, इस तरह से आईज, तो ये आईज जो है बेटा, ये तो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, बट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बना हुआ जो रहेगा उसे स्टिक करना है. वन नोज एंड देन माउथ, ओके, एंड देन ईयर. तो ये तो मैं आपको क्राफ्ट में करके दिखाऊं. तो चलो हम देखते हैं आइसक्रीम और आपका जो फेस है उसका क्राफ्ट. यस बेटा, तो अब हम बनाते हैं अपनी ड्राइंग नोटबुक पे आइसक्रीम, जो आपने बोर्ड पे देखा. देखिए, इसको भी इस तरीके से बनाइएगा, स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन. ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसे स्लीपिंग लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, है ना. और इसके बाद आप पहले थोड़ा सा बड़ा स्टैंडिंग लाइन बना दीजिए, स्टैंडिंग लाइन, ओके, फिर से यहाँ थोड़ी डिस्टेंस पे स्टैंडिंग लाइन. ओके, और फिर हम इसे कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लीपिंग लाइन, ओके ना. देन कर्व लाइन के थ्रू ऊपर का पोर्शन हमने इस तरह से कनेक्ट किया. ओके, ये हमारी एक ये आइसक्रीम बनी. और सेकेंड वन जो बताया था वो कैसा था, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग, ओके, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व लाइन के थ्रू आपने आइसक्रीम ड्रॉ किया. अब हम इसे ब्लैक पेन से पहले क्या कर देंगे, आउटलाइन देन कलर.
यस, अब हम आइसक्रीम स्टिक को कलर कर देते हैं पहले, और उसके बाद हम आइसक्रीम के पोर्शन को कलर करेंगे। आइसक्रीम स्टिक को कलर किया। अब आप जो पोर्शन है इसको आप टू पार्ट्स में या सिंगल पार्ट में भी कलर कर सकते हैं। तो अभी तो मैं येलो कलर, ये जैसे मैंने येलो कलर की स्टिक की है, अभी ऊपर के पोर्शन पे पिंक कलर से आइसक्रीम के हाफ पोर्शन को ड्रॉ कलर करूँगी। और फिर हाफ पोर्शन को हम दूसरे शेड से करेंगे। ओके, ये देखो मैंने हाफ शेड दूसरे कलर से कर दिया है ना। आप ऐसा आप भी कर सकते हैं, टू शेड थ्री शेड आप यूज कर सकते हैं। अब सेम हम इस वाली आइसक्रीम के साथ करेंगे। आप जो बेस है वो डिफरेंट कलर से बना दीजिए, जो कप है, और फिर आप आइसक्रीम का जो पोर्शन है वो आप यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग कलर का यूज कर सकते हैं। ओके, और आपको हाथ कैसे चलाने बेटा, क्रेयॉन जब यूज करेंगे तो लाइट वेट से एकदम उसको मिक्स करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वन पोर्शन से स्टार्ट करेंगे और फिर वो आप कंप्लीटली बाकी पोर्शन कवर करेंगे। चलो पहले आप हम इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, ऊपर रेड कलर की हमने इस पे चेरी रखी, ओके, कैंडी के ऊपर। और अब हमारी आइसक्रीम के नेक्स्ट पार्ट हम कलर करेंगे। ओके, तो ये देखिए आपकी दोनों आइसक्रीम जो है वो कलर हो गई है, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। अब हमारी एक एक्टिविटी और है जिसमें आपको मैंने बोर्ड पे बताया ना कि हमें फेशियल एक्सप्रेशन फेस को कंप्लीट करना है। यस, ये देखिए आपको ये एम्प्टी स्पेस दिख रहा है ना, जो हमारा चेहरा है ये है, और हमें यहाँ पे टू आईज टू ईयर माउथ एंड नोज दिख रहे हैं। अब हम इसे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्लेस हम यहाँ पे इसे स्टिक करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं आईज, टू आईज। ये आईज आप कहाँ स्टिक करेंगे, ये वाले पोर्शन पे विद द हेल्प ऑफ ग्लू हम इसे इस तरीके से यहाँ पर स्टिक करेंगे। ओके, और आईज के ऊपर क्या होता है बेटा, आईब्रोज है ना, हमने ईवीएस में पढ़ा है ना, तो ये हमारा आईब्रो भी इस तरीके से यहाँ स्टिक हो जाएगा। ओके, आईब्रो के बाद अब जब स्टिक करेंगे तो ग्लू का यूज करेंगे। अभी स्टिक करते हैं हम पहले से, इस आईज को ग्लू लगा के हमने इसे स्टिक कर दिया। ओके, अब हम आईज के नीचे क्या होता है बेटा, हमारा नोज। तो अभी हम ये नोज को यहाँ स्टिक करेंगे। देखो नोज, और नोज हमारी कहाँ होती है, जस्ट बिटवीन टू आईज है ना, तो हम यहाँ पे नोज को स्टिक करते हैं। ओके, ग्लू लिया, और इस ग्लू से हमने ये नोज यहाँ कंप्लीट स्टिक कर दी। ओके, अब नोज के बाद माउथ, ये माउथ हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए हमारा फेस कंप्लीट हो रहा है। ओके, वन माउथ,
Yes. Now remaining is two ears. Ears आप इस तरह से स्टिक कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फेस कंप्लीट, है ना। तो ये एक तरह का क्राफ्ट वर्क बताया विद, जैसे आप क्या करेंगे, ये ईवीएस में भी कवर होगा और आपके क्राफ्ट पे भी। तो आज जो आपने ड्राइंग सीखी और ये फेस का पार्ट सीखा, इससे प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके बेटा, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे डियर।